नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे कि मुहूर्त में चंद्रमा का विचार कैसे करते हैं, आपके राशि से चंद्रमा शुभ है या अशुभ है इसको देखते कैसे हैं, यात्रा में चंद्रमा का विचार कैसे किया जाता है इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट या आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें। प्रत्येक शुभ कार्य में चंद्रबल को विशेष महत्व दिया गया है। विवाह में भी कहा गया कि कन्या के लिए गुरुबल, वर के लिए सूर्य का बल, लेकिन दोनों के लिए ही चंद्रमा का बल अवश्य देखना चाहिए। यानी आपके राशि से चंद्रमा शुभ है या अशुभ है इसको देखते कैसे हैं। दूसरा प्रश्न ये उठता है मन में कि नाम राशि से देखना चाहिए या जन्म राशि से। तो शास्त्रों में कहा गया है कि विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत। यानी विवाह में, सभी मांगलिक कार्य में, यात्रा में, गोचर में, इन सब में जन्म राशि को ही प्रधानता दी गई है। जिस दिन आप मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं उस दिन आपके राशि से चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में, यानी आपके राशि से चौथा, आठवां और बारहवां भाव में चंद्रमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो कलह कराता है, अष्टम में हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट, और बारहवें भाव में हो तो लॉस कराता है, यानी हानि कराता है। इसे देखते कैसे हैं आइए इसके बारे में जानते हैं। तो चार मुहूर्त लिए, एक 9 फरवरी 2022, 15 फरवरी 2022, 23 फरवरी 2022 और 1 मार्च 2022। इस चार मुहूर्त में सर्वप्रथम तो ये देखना है कि चंद्रमा कौन से राशि में है। तो 9 फरवरी को चंद्रमा वृषभ राशि में है, 15 फरवरी को कर्क राशि में है, 23 फरवरी को वृश्चिक राशि में है और 1 मार्च को कुंभ राशि में है। मान लीजिए आपका सिंह राशि है, तो सिंह राशि का संख्या हुआ 5। तो इस चार्ट में क्रम से आप अंक को बिठा दीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो पहला जो मुहूर्त है 9 फरवरी का, उसमें चंद्रमा वृषभ राशि में है, यानी आपके राशि से दशम भाव में है, तो ये चंद्रमा शुभ है। कर्क राशि में है तो आपके राशि से 12वें चंद्रमा हो गया। 12वां चंद्रमा भी अशुभ होता है, लेकिन शुक्ल पक्ष का हो और 12वें में चंद्रमा स्वगृही या उच्च के राशि में हो, यानी कर्क राशि में या वृषभ राशि में हो, तो आप इस मुहूर्त को ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा है वृश्चिक राशि, यहाँ आ गया चतुर्थ भाव में, यहाँ नीच के राशि में चंद्रमा आ गया। वृश्चिक राशि चंद्रमा का नीच राशि होता है, तो चतुर्थ भाव का चंद्रमा भी अशुभ होता है और नीच राशि में हो जाए तो ये विशेष अशुभ माना गया है, इस मुहूर्त को ग्रहण नहीं करना चाहिए। चौथा है कुंभ राशि, 1 मार्च को, तो ये सप्तम भाव में हो गया। वहीं अगर आप कोई मुहूर्त ग्रहण करते, कोई मुहूर्त में कार्य करना चाहते और उस दिन चंद्रमा मीन राशि में होता तो आपके लिए विशेष अशुभ होता, क्योंकि अष्टम चंद्रमा को विशेष अशुभ माना गया है। अष्टम चंद्रमा हो तो कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ये मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। इस तरह से यह तो सिंह राशि के बारे में हो गया, कोई भी राशि हो उसको इसी क्रम से आप चंद्रमा को, चंद्रमा मुहूर्त में जिस भी राशि में हो उस राशि में चंद्रमा को रख करके आप अपने राशि से गिनती कर लें कि चंद्रमा कौन से राशि में आ रहा है। 4, 8 बारे में नहीं आना चाहिए आपके राशि से। तो इस प्रकार से आप अपने मुहूर्त में चंद्रमा को देख सकते हैं कि आपके राशि से चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।